हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर आमिर बेनीवाल। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पोजेसिव केस। तो फॉर्मेशन ऑफ पोजेसिव केस में हम ऑलरेडी 2 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं, तो आज की इस वीडियो में हम पोजेसिव केस बनाएंगे कैसे, बाय एडिंग ओनली अपोस्ट्रोफी एंड बाय एडिंग ओनली ऑफ। यानी एक में हम केवल अपोस्ट्रोफी यानी कोमा लगाकर पोजेसिव बनाएंगे, और दूसरा तरीका है हम ना ही तो अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे ना ही केवल अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, बल्कि ऑफ का प्रयोग करके पोजेसिव केस बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं फॉर्मेशन ऑफ पोजेसिव की 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। लेट्स स्टार्ट। रूल फर्स्ट क्या है इसमें, यानी प्लूरल लिविंग नाउन्स जिनके अंत में एस हो उनके साथ केवल अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। तो ये देखना है प्लूरल लिविंग नाउन्स, यानी सजीव संज्ञाएं, सजीव संज्ञा हो और अंत में एस आया हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे, हम देखें जैसे लड़कों का स्कूल। तो अब इसमें देखिए, मैंने बताया था पोजेसिव केस की निशानी क्या है, नाउन है, नाउन है, यानी दोनों तरफ नाउन होगा, बीच में क्या होगा, का होगा या के होगा या की होगा, ये वर्ड होंगे बीच में, दो नाउन के बीच में ये हो तो समझ जाना है पोजेसिव केस है। फिर देखना है लिविंग है नॉन लिविंग है, तो लड़कों लिविंग है, तो लिविंग है और प्लूरल है, तो लड़कों को हम प्लूरल में ऐसे लिखेंगे, तो अंत में क्या आ जाता है, एस। तो प्लूरल है, लिविंग है, अंत में एस आया है, तो केवल अपोस्ट्रोफी लगा दीजिए का के लिए और स्कूल जोड़ दीजिए इसके साथ फिर, यानी बॉयज अपोस्ट्रोफी स्कूल, इसका मतलब है लड़कों का स्कूल। और देखिए लड़कियों का लैपटॉप, तो अब देखिए लड़कियों नाउन है, लैपटॉप नाउन है, तो इसमें बीच में क्या फंसा हुआ है, का, तो ये भी पोजेसिव है। अब देखना है लिविंग का है नॉन लिविंग का है, तो ये देखिए लड़कियों लिविंग है और प्लूरल है, प्लूरल बनाएंगे तो इसके अंत में एस आ जाता है, अंत में एस, तो केवल इस का के लिए केवल अपोस्ट्रोफी लगाइए और ये आगे वाली संज्ञा जोड़ दीजिए, लैपटॉप, इस तरह गर्ल्स लैपटॉप, लड़कियों का लैपटॉप। तो इस तरह से हम प्लूरल लिविंग नाउन्स के पोजेसिव केस बना सकते हैं केवल अपोस्ट्रोफी जोड़कर। अगला रूल सेकंड, रूल 2 क्या कहता है, यानी क्लासिकल नेम, क्लासिकल नेम्स जिनके अंत में एस होता है तो उनके साथ भी क्या होगा, उनके साथ केवल अपोस्ट्रोफी, केवल अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। तो ये है, तो क्लासिकल नेम कौन से हैं, फॉर एग्जांपल देखिए इंग्लिश के पोइट हैं कीट्स, यदि उनका नाम लिखे तो पीछे एस आता है, जॉन कीट्स,
तो अब इसको हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे यदि इसकी पोइट्री लिखनी है यहाँ। इसका मतलब क्या है, कीट्स की कविताएं। तो इसमें देखिए नाउन है, नाउन है, बीच में का के की आया है तो पोजेसिव केस है, तो कीट्स की हम स्पेलिंग लिखते हैं तो अंत में एस आता है, तो फिर अंत में एस आया है इस नाम के, तो केवल अपोस्ट्रोफी लगा दीजिए, का के की बन जाएगा, तो कीट्स पोइट्री। और देखिए हरक्यूलिस, तो ये भी एक नाम है काफी फेमस, हरक्यूलिस, इसके साथ भी यानी अंत में ऐसा आया है अपोस्ट्रोफी लगा दीजिए, हरक्यूलिस क्लब, यानी हरक्यूलिस का क्लब। और देखिए आर्किमिडीज, आर्किमिडीज, तो ये एक हमारे साइंटिस्ट हुए हैं, तो इनके नाम के अंत में क्या है, एस आया है, तो इसने एक ला दिया था साइंस में, तो उसको आर्किमिडीज ला बोलते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो अंत में एस आया है, केवल अपोस्ट्रोफी लगाने से काके की बन जाता है, हरक्यूलिस का क्लब का के लिए अपोस्ट्रोफी, आर्किमिडीज ला का के लिए अपोस्ट्रोफी, क्यों, क्योंकि इनके अंत में स्पेलिंग में ऐसा आता है। तो इस तरह से ये दो रूल अप्लाई करके हम केवल अपोस्ट्रोफी जोड़ के पोजेसिव केस बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो उसके बाद हम देखेंगे बाई एडिंग ओनली ऑफ, भाई ऑफ का प्रयोग करके कैसे होता है। तो इसमें हमारा जो रूल नंबर फर्स्ट है वो क्या कहता है, केवल ऑफ का प्रयोग करके। तो सबसे पहले ऑफ का प्रयोग नॉन लिविंग में होगा, नॉन लिविंग नाउन में ऑफ का प्रयोग होता है, ऑफ का प्रयोग होता है यानी नॉन लिविंग निर्जीव में। जैसे एग्जांपल देखेंगे, नदी का पानी, नदी का पानी। अब देखिए नदी क्या है, नाउन है, पानी क्या है, नाउन है, बीच में क्या आया है, का आया है, तो बन गया पोजेसिव केस। लेकिन नदी भी नॉन लिविंग है, पानी भी नॉन लिविंग है, इसलिए क्या करेंगे, पानी को यहां लिखिए वाटर, इसके नाम का ऑफ लिखना है अब, और नदी को पीछे ले जाइए, वाटर ऑफ द रिवर। तो कहने का मतलब है नाउन अपनी जगह रिप्लेस कर लेंगे आगे वाली, पीछे पीछे वाली आगे, और का के लिए क्या लगता है, ऑफ लगता है, कब, नॉन लिविंग में। और देखिए हिंदी की पुस्तक, तो अब देखिए नाउन है, नाउन है, बीच में का के की आया है, पोजेसिव है, हिंदी नॉन लिविंग, पुस्तक नॉन लिविंग, क्या करेंगे, इसको पहले लिखो ए बुक, इसको यहां लिखो बीच में, इसका ऑफ लगेगा, इसको पीछे ले जाओ हिंदी, यानी ए बुक ऑफ है हिंदी। तो इस तरह से नॉन लिविंग का पोजेसिव हम बनाते हैं। ऑफ का सेकंड रूल, सेकंड रूल क्या कहता है, यानी डबल पोजेसिव बनाना। तो डबल पोजेसिव कैसे बनता है, जैसे एग्जांपल देखिए, मैं बोलता हूं मोहन के भाई का थैला, तो ये है
तो देखिए नाउन है, नाउन है, नाउन है, बीच में क्या आया है काके की। तो इस तरह से तीन नाउन दी गई हैं, बीच में काके किया है, तो इसको हम डबल पोजेसिव बोलते हैं, डबल डबल। तो क्या करना है, तो इसमें यहाँ पे जो पीछे वाला है इसको आगे लेके आएंगे, थैला यानी ए बैग, और इसके लिए हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, ए बैग ऑफ, ठीक है। उसके बाद मोहन के भाई, तो यहाँ पे सजीव है, तो सजीव के लिए हम क्या करते हैं मोहन, और इसके लिए हम लगाते हैं अपोस्ट्रोफी एस, और ब्रदर को ब्रदर लिख दीजिए। तो इस तरह से यानी इस पीछे वाले को हम आगे लेके आएंगे, सबसे पहले हमने बैग लिख दिया, इसके लिए हमने ऑफ लगा दिया, और ये हमारा क्या है लिविंग का पोजेसिव, मोहन लिविंग है इसलिए मोहन को हमने लिख दिया, और लिविंग है तो अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया के लिए, और भाई को भाई लिख दिया, यानी ये बैग ऑफ मोहन्स ब्रदर। तो इस तरह से हम डबल पोजेसिव बना सकते हैं। और देखिए, और हमारा बन सकता है जैसे इसमें लीला के भाई की कार, यानी नाउन है, नाउन है, नाउन है, तो इसका मतलब तीन नाउन के बीच में का के किया है, तो ये भी डबल पोजेसिव है। तो इसमें क्या है सजीव है, मोहन क्या था सजीव है, लेकिन पीछे निर्जीव था, तो इस पीछे वाले को आगे लेके आइए, एक कार, इसकी के लिए क्या करेंगे ऑफ। अब इसको पोजेसिव के हिसाब से बना दीजिए, लीला, इसके लिए अपोस्ट्रोफी एस लीलाज ब्रदर, यानी ये क्या था, ये डबल पोजेसिव था लिविंग प्लस नॉन लिविंग, यानी इसमें लिविंग था और साथ में नॉन लिविंग भी था। अब देखिए केवल नॉन लिविंग का, निर्जीव निर्जीव का कैसे बनता है, नॉन लिविंग डबल हो और नॉन लिविंग हो वो कैसे, अब देखिए एग्जांपल, हिंदी की पुस्तक की जिल्द, अब ये लिख दिया हिंदी नाउन है, किसी चीज का नाम है नाउन है, किसी चीज का नाम है नाउन है जिल्द, तो इसमें भी क्या है तीन नाउन है, लेकिन तीनों के तीनों क्या हैं नॉन लिविंग हैं। तो ऊपर वाले में क्या था, एक तीनों में से एक या दो लिविंग थे, तो स्टार्टिंग में लिविंग था, मेन चीज ये है, तो उसके लिए हमने लिविंग वाला फार्मूला लगाया था। अब इसमें तीनों नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग वाला फार्मूला लगाइए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे द कवर यानी जिल्द, इक्की के लिए क्या करेंगे ऑफ, ये लिख दिया, ये लिख दिया, अब इसकी बारी है, द कवर ऑफ है ए बुक है, अब इसकी बारी है ऑफ है, अब इसकी बारी है हिंदी, यानी क्या करना है इस तरह से चक्कर चला दीजिए, पीछे से यहां 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 पीछे से आओ उठाते हुए, यानी उल्टा कर दीजिए। इसमें क्या था, एक बार तो पीछे वाला आगे आ गया, लेकिन फिर यहां सजीव होने के कारण हमने यों का यों लिख दिया था, इसमें क्या है पीछे वाला उठाइए, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, तो द कवर ऑफ ए बुक ऑफ ए हिंदी। तो इस तरह से नॉन लिविंग डबल का पोजेसिव केस बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और आपकी बेसिक इंग्लिश के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि आपको बड़ा मज़ा आया होगा। तो इट इज़ एनफ फॉर टुडे, आई होप यू विल हैव एंजॉयड दिस वीडियो, सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।